में मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद सीमा जी। नेक्स्ट स्पीकर डॉक्टर विकास महात्मे। डॉक्टर विकास महात्मे। थैंक यू वाइस चेयरमैन जी। शुरू में ही शुरुआत में ही मैं आदरणीय मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूँगा कि हमारी सबकी एक मांग थी कि एआरटी बिल और सरोगसी बिल दोनों ही साथ में लाया जाए और वो उन्होंने पूरी की है। ये बहुत ज़रूरी था कि दोनों साथ में आए तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए आसान होता है, तो ये काम बहुत अच्छा हुआ है। शुरू में मैं एआरटी बिल के बारे में बताना चाहूँगा। ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का उपयोग हम जिन इनफर्टिलिटी के लिए करते हैं, जिन्हें बच्चे नहीं होते हैं उनके लिए किया जाता है। इसमें स्पर्म और ओवम दोनों का टेक्नोलॉजी के तरीके से एक ट्रीटमेंट किया जाता है और गर्भ होने की संभावना बढ़ाई जाती है या एम्ब्रियो की संभावना बढ़ाई जाती है और इससे इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट हो सकता है। सर, हमारे यहाँ भारतवर्ष में जो भी कपल्स हैं उनको यदि बच्चा नहीं होता है तो उन्हें बहुत दुख तो रहता ही है, लेकिन साथ में सभी लोग उनके तरफ एक कम की नजर से देखते हैं, खास तौर पर महिलाओं के तरफ, और उन्हें मानसिक त्रासदा भी रहती है। तो ये परेशानी कम हो इसके लिए ये एआरटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एआरटी सभी तरफ भारत में चल रही है, लेकिन उसका रेगुलेशन नहीं था तो इस बिल के मार्फत वो रेगुलेशन में आ रहा है। यह इसमें मानसिक तनाव होने की वजह से और ज़रूरत होने की वजह से इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ा बिजनेस भारत में है। ये बिजनेस बढ़ रहा है और इसके साथ में इसकी कुछ परेशानियां हैं, जैसे कि इसमें सेफ्टी, जो डोनर्स हैं वो पैसे के लालच में ज़्यादा बार एक डोनेट करना चाहते हैं तो उनकी तबीयत का, खुद के तबीयत का भी वो ख्याल नहीं रख सकते हैं। उनको बार बार हार्मोन स्टिमुलेशन दिया जाता है, उससे लॉन्ग टर्म के इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये सुरक्षा का जो अभाव था वो इस बिल में अच्छी तरह से टैकल किया है और उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराई है। वैसे ही शोषण कम होगा, ये बिल के माध्यम से शोषण नहीं होगा, और जो अनैतिकता बढ़ रही थी, एथिकल प्रैक्टिस नहीं हो रही थी, उसमें जैसे मैं कहूँगा जेंडर डिटर्मिनेशन होता है, मैं सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं बोलूँगा क्योंकि जेंडर डिटर्मिनेशन बेटर वर्ड है, तो ये जेंडर डिटर्मिनेशन जो होता है वह हो सकता है इसमें और उसका उपयोग पैसे के लालच के लिए होता है। और अभी जैसे हमारे ऑनरेबल एमपी जी ने कहा था कि मैंने खुद देखा है कि हमें नीली आँख वाला बच्चा चाहिए, ब्लू आइड बॉयज चाहिए या गर्ल चाहिए, इसके लिए खास तौर पर कुछ एक्टर्स एक्ट्रेसेस जिनकी ज़्यादा पहचान नहीं है उनका एक लेने की भी परचेस करने की कैपेसिटी रखने वाले वो करते हैं। तो ये सब जो है अनएथिकल प्रैक्टिसेस है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस बंद होने के प्रावधान इस बिल में किया है, इसलिए मैं इनको मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। ये सब जो जेंडर डिटर्मिनेशन है उसके लिए पनिशमेंट का भी प्रावधान है। यह सब इम्प्लीमेंट होने के लिए इसमें नेशनल बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है और उसकी प्रणाली भी काफ़ी सशक्त है, जिसके जरिए या अच्छे से जो भी रूल्स रेगुलेशंस तय हो रहे हैं इस बिल में वो सभी अच्छे तरीके से, जो भी क्लॉजेस हैं बिल के वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट होगी। लेकिन मेरे कुछ सुझाव भी है इसमें। सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि एक इंट्रायूटेराइन इंजेक्शन ऐसा एक ट्रीटमेंट का पार्ट है इनफर्टिलिटी का। इसमें जो गर्भाशय है उसके अंदर स्पर्म्स ना जाने की संभावना रहती है, तब डायरेक्टली स्पर्म्स इंजेक्ट किए जाते हैं गर्भाशय। अब ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है
और सभी गायनेकोलॉजिस्ट यह प्रोसीजर करते हैं। अब हम इसे भी एआरटी में यदि लाते हैं तो इसकी परेशानी यह होगी कि सभी गायनेकोलॉजिस्ट के जितने ही क्लिनिक हैं वो सभी रजिस्टर करने पड़ेंगे, और इतनी बड़ी प्रणाली हमारे यहाँ अभी फिलहाल ना होने की वजह से यह सिंपल प्रोसीजर जो क्लिनिक में होती है ओपीडी में किया जाता है, और इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का भी यूज़ नहीं है और सिंपल है, तो इसका उपयोग यानी एआरटी बिल के बाहर रहना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, और वह हम अपने रूल्स रेगुलेशंस के जरिए कर सकते हैं। वैसे ही इसमें एक क्लॉज है जिसमें 7 फॉलिकल से ज़्यादा या अंडा बोल सकते हैं ओरी से हम निकाल नहीं सकते। ये बहुत ज़रूरी था कि इसका मिसयूज ना हो, बार बार महिला को ओवरी स्टिमुलेट करने के लिए हार्मोन्स ना दे, इसलिए यह प्रावधान किया हुआ है। लेकिन काफ़ी बार ऐसे भी होता है कि हम जब ओवरी स्टिमुलेट करते हैं तो 7 के बजाय 10, 15, 20 ऐसे भी अंडे तैयार होते हैं। अब ये तैयार हो गए और हम 7 ही बाहर निकालेंगे तो बाकी अंडे अंदर ही रहेंगे ओवरी के, और उससे ओवरी हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम जो बोलते हैं वो होने की संभावना होगी। यानी हमारे बिल की वजह के क्लॉज से शायद हम बीमारी बढ़ा सकते हैं। ये तो मेरा ये मानना है कि क्लॉज वैसे ही रहे, लेकिन 7 के ऊपर जितने भी फॉलिकल्स है या अंडे हैं वो बाहर निकाल कर फ्रोजन सेक्शन फ्रीज करने के लिए बैंक में भेजा जाए, ताकि हम जो महिला है उसको बीमारी जो ओवर स्टिमुलेशन ऑफ ओवरीज का बीमारी होती है वो ना हो, और जो भी ओवम है या अंडा है या फॉलिकल्स हैं वो हमारे पास भी स्टोर्ड रहे। तीसरा ये था कि जब हम एम्ब्रियो या गर्भ तैयार करते हैं एआरटी में, वो कभी कभी 1 के बजाय 2, 3, 4 ऐसे तैयार हो जाते हैं। यदि हम इसे कम ना करें तो आप पेपर में पढ़ते हैं कि एक महिला ने 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन वो बच्चे बहुत ही वीक होते हैं, और इसलिए यह जरूरी है कि फीटल रिडक्शन ये मामला भी हम इसमें इंक्लूड करें, क्योंकि इसमें जितने भी 2 से ज़्यादा जितने भी गर्भ है या एम्ब्रियो है उसे निकाला जाता है, ताकि एक ही बार में 3, 4, 5 ऐसे बच्चे ना हो, तो इसे भी इसमें इंक्लूड करना ज़रूरी है ऐसा मुझे लगता है। मुझे पता है कि हमारा मकसद ये है कि अनएथिकल प्रैक्टिस जो भी डॉक्टर्स कर रहे हैं उनको पनिशमेंट हो, लेकिन जो काम करते वक्त क्लरिकल मिस्टेक्स हैं जिसमें मैं कहूँगा कि जैसे काफ़ी बार पेशेंट या कोई आता है महिला या आदमी वो बोलते हैं हम मैरिड हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि भाई उसका सर्टिफिकेट बुलाया, क्योंकि किसके पास यहाँ सर्टिफिकेट अवेलेबल है, मैरिज सर्टिफिकेट नहीं रहता है, तो आखिर उसके ऊपर विश्वास रख के लिखा जाता है, और क्लरिकल मिस्टेक्स भी होती है। मैंने तो काफ़ी बार ये देखा है कि कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें भी काफ़ी सारी क्लरिकल मिस्टेक्स रहती है, तो उसी प्रकार क्लरिकल मिस्टेक्स के लिए हम उनको एक बार आह्वान दे कि भाई ये करने से ज़्यादा अगली बार यदि होता है तो फाइन होगा, फाइन बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए बाकी पनिशमेंट की ज़रूरत नहीं ऐसा मुझे लगता है। और माइनर मिस्टेक्स क्लरिकल मिस्टेक्स के लिए अननेसेसरी किसी को डराने की ज़रूरत नहीं ऐसा मुझे लगता है। ये सब एआरटी बिल के लिए मैंने बताया है, और इसमें जो भी बाकी चीज़ें हैं वो सभी अच्छी तरीके से कवर की हुई है, और मैं चाहूँगा कि ये बिल सभी लोग अपनी तरफ से पास करने के लिए हाँ बोलेंगे, ये मेरा विश्वास है। उसी तरीके से दूसरा जो बिल है वो है सरोगेसी बिल। सरोगेसी बिल पर काफ़ी लोगों ने अपने विचार प्रकट किए, लेकिन 3 या 4 ऑनरेबल MPs ने काफ़ी बार ये बताया कि इस बिल में
नियर रिलेटिव सरोगेट मदर हो सकती है और बाकी भी चीजें जो अमेंडमेंट नया आया है जो हम कहेंगे सरोगेसी बिल 2020, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को बाहर में भी सरोगेसी बिल जब बोला तब सरोगेसी बिल 2019 दिया हुआ है और वो उसमें अमेंडमेंट्स नहीं आई हुई है जो सिलेक्ट कमिटी ने बताई थी और उसी के बारे में चर्चा हुई। तो मेरा यह मंत्री जी से निवेदन है कि हम इतना अच्छा बिल करेक्ट करके लाए हैं और वो मिनिस्ट्री साइट पे भी नहीं है तो लोगों तक के सही बिल पहुंचे, सही कानून पहुंचे, इसलिए उनके वेबसाइट पे भी 2020 बिल रहना जरूरी है ताकि जो कन्फ्यूजन या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी हुआ है वो नहीं होगा। दूसरा ये है, ये बिल के लिए मैं अभिनंदन करना चाहूँगा क्योंकि पूरे मंथन के बाद में यह एक अमृत निकला हुआ है। यह बिल पहले स्टैंडिंग कमिटी ने बताया था, बिल बनाया गया, लोकसभा से पास हुआ, फिर राज्यसभा में आया, राज्यसभा से सिलेक्ट कमिटी में गया और मुझे खुशी है बताते हुए कि मैं सौभाग्य और मेरा सौभाग्य भी है कि मैं सिलेक्ट कमिटी में था और सिलेक्ट कमिटी के जितने भी सुझाव थे वो पूरी तरह से अपनाए गए हैं। तो इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मंत्री महोदय जी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि कमर्शियल सरोगेसी जो है उसे गैर कानूनी बताया तो गया और उस पर रोक लगाई गई है। उसी प्रकार जो शोषण होता था, महिला पैसे के लालच में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, चार बार सरोगेट मदर बनना चाहती थी तो वो भी बंद किया है। महिला पूरे उसके जीवन काल में एक ही बार सरोगेट मदर बन सकती है। वैसे ही जैसे कहा गया कि क्लोज रिलेटिव चाहिए, वैसा अमेंडमेंट अभी हो गया है कि क्लोज रिलेटिव की जरूरत नहीं, कोई भी महिला सरोगेट मदर बन सकती है, यह भी इसमें प्रावधान किया गया है। अल्ट्रुइस्टिक या दूसरे के हित के लिए, परोपकार के लिए उद्दिष्ट से सरोगेसी की इजाजत इस बिल में दी हुई है। यहाँ पर जितने भी रूल रेगुलेशंस हैं, रजिस्ट्रेशन करना है उसके लिए भी जो भी है वो उसमें पहले प्रैक्टिशनर, मेडिकल प्रैक्टिशनर कोई भी बोर्ड मेंबर बन सकता था, लेकिन उसमें अभी ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजिस्ट दो रखे हुए हैं, यानी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट इज ऑल्सो देयर। तो ये जो बहुत ही अच्छी बात हुई है उसके लिए नेशनल बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये सभी भारतीयों के लिए है। वैसे ही NRI या पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन या ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इनको सबको इसका लाभ ले सकते हैं सरोगेसी का। ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये लोग भारत से जुड़े रहे, इसके लिए ये प्रावधान किया है और ये बहुत ही अच्छा प्रावधान है ताकि ये बाहर गए हुए लोग भी भारत से हमेशा जुड़े रहें। इसमें अमेंडमेंट में एक और अमेंडमेंट बहुत अच्छा ये है कि जो महिला सरोगेट मदर है उसका इंश्योरेंस कवरेज पहले कम था, अभी उसका इंश्योरेंस कवरेज 36 मंथ का, 36 महीने का किया हुआ है, जिसके जरिए उसको यदि गर्भधारणा के दरमियान या बाद में कोई बीमारी होती है, गर्भधारणा की वजह से होती है, तो उसको पूरी तरह से कवर इस इंश्योरेंस कवरेज में किया हुआ है ताकि उसका शोषण ना हो। वैसे ही मैंने पहले ही बताया कि नियर रिलेटिव्स का ये कॉलम अभी हटाया गया है। अभी बात हुई कि इसमें LGBT या मेल इंडिविजुअल, अकेला आदमी सरोगेसी चाइल्ड नहीं ले सकता है, तो मेरे ख्याल से भारतीय संस्कृति परिवार यदि चाहता है तो शादी विवाह के बाद में ही परिवार की संकल्पना भारतीय संस्कृति में है, तो इसलिए इसमें जो मैरिड वुमेन है लेकिन डाइवोर्स हो गया है उनका भी, उनके लिए भी इसका फायदा है, हो सकता है वो भी इस बिल का फायदा सरोगेट किसी चाइल्ड ले सकते हैं। वैसे ही
जो मैरिज हो गया है लेकिन देहांत हो गया होगा तो वो भी इसका फायदा लाभ ले सकते हैं, लेकिन अकेला आदमी या एलजीबीटी लोग नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति विवाह के बाद में ही परिवार यह संकल्पना आगे बढ़ाती है। और इसके लिए मैं चाहता हूं कि सभी ये समझ लें कि ये ऑस्ट्रेलिया या बाकी देशों के बजाय हम भारत का विचार ज़्यादा कर रहे हैं। मैं आखिरी में ये कहना चाहूँगा कि माँ बाप बनने का सुख बहुत लोग चाहते हैं और उसका अनुभव हम सब काफ़ी लोगों को भी है कि वो बहुत सुखदायी हैं। मेरा ये कहना है कि इट इज सेड दैट चाइल्ड गिव्स बर्थ टू मदर। कोई भी महिला माँ कहलवाने के लिए बहुत आतुर रहती है, उसके कान तरसते हैं, और इस बिल के जरिए माननीय मंत्री महोदय जी ने यह जो सुख का अनुभव सभी इनफर्टाइल जो कपल्स हैं उनको देने का प्रयास किया है, इसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और इस दोनों बिल को मैं समर्थन करता हूँ। धन्यवाद महात्मा जी। नेक्स्ट।